Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next chapter, that is, I Want Something in a Cage, written by L.E. Motzit. Leland Exton Motzit. Right? So, bachon, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि एक जो है शॉपकीपर है और उसकी शॉप किस चीज की है, पैट्स की। अब हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, वो वाले पैट नहीं है जैसे डॉग है कैट है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द केज्ड पैट जो पिंजरों में रहते हैं, जैसे आपके क्या कौन से रहते हैं, बर्ड्स रहती हैं या रैट्स रखते हैं या रैबिट्स रखते हैं, राइट। तो हम उन जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो एक जो है यहाँ पे शॉपकीपर है ब्रसल, उनकी शॉप किस चीज़ की है, पैट शॉप है। और हमेशा अगर आप किसी पैट शॉप में जाएंगे तो आपको किस चीज़ की आवाज़ आएगी, चिड़ियों की आएगी आवाज़, तो डिफरेंट एनिमल्स की आएगी, बर्ड्स की आएगी, चुचिंग की आवाज़ आएगी। तो काफ़ी जो है एक्चुअली क्या होता है, हम जाएंगे तो हमें स्ट्रेंज लगेगा एनवायरमेंट। क्यों लगेगा, क्योंकि हम वी आर नॉट हैबिचुअल नहीं है। बट जो शॉपकीपर है उसको जो है ही वॉज नॉट बॉदर अबाउट दैट साउंड, जो आवाज आती है उसको वो बॉदर नहीं होता है, राइट। क्यों, क्योंकि वो फैमिलियर हो जाता है उस आवाज से जो उसको जो है 24 आवर्स या जब तक जो है शॉप खुली है तब तक उसे सुनाई देती। तो उसी को जो है हम अभी कंटिन्यू करेंगे। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द केज्ड बर्ड्स, केस्ट एनिमल्स, राइट। तो पिंजरा है और पिंजरे में जो पैट्स है, और एक चीज जो है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव केस्ट पैट्स, डॉग होंगे कैट होंगे बट केस्ट पैट्स किस किस के हैं। तो आप लोग जो है आपस में डिस्कस कर सकते हैं अबाउट द केस्ट पैट्स के, उनके यहाँ पैरेट है या लबर्ड्स हैं या रैट्स रखे हैं या रैबिट्स रखे हैं केज में। तो आपस में आप लोग जो है डिस्कस कर सकते हैं, राइट, या क्या आपके एक्सपीरियंस है उनके साथ। तो यहाँ पे जो है हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो शॉपकीपर हैं जिनकी पैट की जो है पैट शॉप है वहाँ पे, वो इसके अलावा और क्या बेचते हैं, जैसे बर्ड्स का जो है ग्रीन बेचते हैं या फिश का फूड बेचते हैं। तो साइड बाई साइड जो है वो इस तरह के भी आइटम्स जो है उन्होंने रखे हैं रिलेटेड टू एनिमल्स। और समटाइम अगर कोई जो है बर्ड या कोई एनिमल जो है अनहेल्दी हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो उसकी रेमेडी भी वो बताते हैं, क्लियर। तो इसी को बच्चों हम कंटिन्यू करते हैं, लेट्स बिगिन दिस चैप्टर, आई वांट समथिंग इन अ केज। तो बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर लेट्स रीड, मिस्टर पर्सेल ओन्स अ पैट शॉप। तो मिस्टर पर्सेल कौन है, जिनकी अपनी क्या है, पैट शॉप। देयर इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मीन्स लगातार, continue, there is constant noise of screeching and twittering. तो वहाँ पे जो है लगातार जो है continuous किसकी आवाज आती है, चिल्ला screeching, twittering, twittering किसको बोलते हैं, जब चिड़िया जो है chirping करती है, आवाज करती है चहचहाने की, उसको बोलते हैं twittering. In the shop, तो हमेशा जो है वहाँ पे एक आवाज आती है screeching की और twittering की, but Mr. Purcell is happily unaware of it. क्योंकि वो क्यों है अनअवेयर इन आवाजों से, क्योंकि वो फैमिलियर हो गए हैं, उस हैबिचुअल हो गए हैं उस आवाज को सुनने की। वन कोल्ड मॉर्निंग अ स्ट्रेंज कस्टमर कॉल्स। अब यहाँ पे कौन है स्ट्रेंज कस्टमर, इसको अभी हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक जो है ठंडी जो है कोल्ड मॉर्निंग थी और एक स्ट्रेंज कस्टमर जो है उनकी शॉप में आता है। वैसे तो बहुत सारे कस्टमर आते हैं बट यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है स्ट्रेंज कस्टमर। तो कौन है वो स्ट्रेंज कस्टमर, तो अभी हम डिस्कस करेंगे, राइट। द स्टोरी ऑफ ए नेचर लवर हु शॉक्ड द शॉपकीपर। द शॉपकीपर वॉज एन एल्डरली पर्सन। अब ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा यंग है, एल्डरली पर्सन है शॉपकीपर। इट वॉज अनयूजुअल फॉर हिम टू हैव ए बायर Who negotiated for a pair of dog? अब लोग आते हैं negotiate करते हैं, मोल भाव करते हैं, but यहाँ पे किसकी बात करी है, it was unusual for him to have a
रोज जो है ऐसा होता है, बट टू हैव अ बायर हु नेगोशिएट, जिसने जो है नेगोशिएट का मतलब क्या होता है, मोल भाव करना। जैसे आप लोग जाते हैं सब्जी लेने जाते हैं, कुछ लेने जाते हैं, तो क्या करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, अरे भाई 40 रुपए किलो है तो 20 रुपए किलो कर दो, 25 रुपए किलो कर दो, दैट इज कॉल्ड द नेगोशिएशन। तो यहाँ पे जो कस्टमर थे, रोज ऐसे ही आते हैं कस्टमर, बट जो अब बायर आए थे वो नेगोशिएटेड फॉर, किसके लिए नेगोशिएट करा था, फॉर अ पेयर ऑफ डॉग, एंड देन सेट द बर्ड्स फ्री। अब उसने नेगोशिएट करा, एक पेयर ऑफ डॉग लिया और उनको क्या करा, उड़ा दिया, सेट द बर्ड्स फ्री। तो ऐसा उसकी शॉप में फर्स्ट टाइम हुआ था, या जो है जिसको उसने बोला कि एक स्ट्रेंज कस्टमर थे, तो बायर ने क्या करा, पहले नेगोशिएट करा, मोल भाव करे किसका, अ पेयर ऑफ डॉग, और उसके बाद उसको क्या करा, देन सेट द बर्ड्स फ्री, और उसको खुला छोड़ दिया, फ्री छोड़ दिया। द शॉपकीपर वॉज बीविल्डर्ड एट सच अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। अब कोई भी होगा जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, कि पहले तो तुम नेगोशिएट कर रहे किसी चीज को खरीदने की और फिर उसको जो है खुला छोड़े, राइट। तो ये हम सारी चीजें कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर के चैप्टर में, राइट। ये ऑथर है लीलैंड एक्सटर्न मॉट्स, राइट। तो इन्होंने यहाँ पे स्टोरी दी कि आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, कि मैं चाहता हूँ कोई चीज जो है, आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज। केज का मतलब क्या होता है बच्चों, पिंजरा। जैसे हमने यहाँ पे प्रीवियस पिक्चर में दिखाया था कि ये क्या है, पिंजरा है, और यहाँ पे क्या है, ये शॉपकीपर है, और ये स्ट्रेंज क्या है, बायर है, जिसने क्या खरीदे, डव लिया, अ पेयर ऑफ डव लिया, और उसको फिर क्या करा, देन सेट देम फ्री, और फिर उनको क्या करा, छोड़ दिया। तो इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं द होल स्टोरी, कि जो पेट शॉप है और पेट शॉप में कौन स्ट्रेंज कस्टमर आते हैं या बायर आते हैं, जिन्होंने ए पेयर ऑफ डव खरीदा और देन नेगोशिएट करा, पहले उसके जो है मोल भाव करा, देन सेट देम फ्री। क्लियर? तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं। एक जो है पेट शॉपकीपर है, उनका नाम क्या है, पर्सेल है, और किस तरह से यहाँ पे जो है पहली लाइन क्या है, मिस्टर पर्सेल डिडंट बिलीव इन घोस्ट। घोस्ट क्या होते हैं बच्चों, भूत। तो कई लोग होते हैं जैसे पढ़े लिखे होते हैं, या कई लोग ऐसे होते हैं जो बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते। मे भी आप लोग में से कई लोग होंगे जो विश्वास नहीं करते किसमें, घोस्ट में, भूतों में, राइट। तो मिस्टर पर्सेल भी वैसे इसी टाइप के थे, ही डिडंट बिलीव इन घोस्ट। नेवर्थलेस द मैन हु बॉट द टू डव्स एंड हिज स्ट्रेंज एक्ट इमीडिएटली देयर आफ्टर लेट हिम विद अ डिस्टिंक्ट sense of uncanny, uncanny का मतलब क्या होता है, unusual, as though। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो पर्सेल है, मिस्टर पर्सेल क्या है, बिलीव नहीं करते भूतों में, घोस्ट में। अब यहाँ पे आके देखेंगे बच्चे, सब ध्यान से देखें। Nevertheless, the man who bought the two doves, अब जैसे अभी हमने कहा था कि एक बायर आया था नेगोशिएट करके, he bought two doves and his strange act immediately thereafter, अब उसने क्या किया था, जैसे अभी हमने पढ़ा था, then set them free, left him, अब क्या छोड़ के जाता है, देखें आप, left him with a distinct sense of the uncanny, uncanny means unusual। तो वहां पे जो है एक कुछ जो है, left him with a distinct sense of uncanny, कि जब वो चले गए उसके बाद क्या होता है, As though behind a departed customer, और जब वो कस्टमर चला जाता है, departed means चला जाता है, there had lingered man spread the musty smell। तो बच्चों यहाँ पे देखते रहे word meaning भी, lingered man spread, musty means bad smell, musty का मतलब क्या है, bad smell of an abandoned means खाली, हॉन्टेड हाउस। हॉन्टेड किसको बोलते हैं, जहाँ पे ऐसा लगता है कि हॉन्टेड प्लेस, जहाँ पे भूत और जो है यूजुअली जो है आते रहते हैं, उसको बोलते हैं हॉन्टेड प्लेस, खाली जगह होती है जहाँ पे कहते हैं भूतो भूत जो है आते हैं यहाँ पे। तो जब वो कस्टमर चला गया, जैसे रोज जो है कस्टमर आते हैं उनके एज यूजल, बट जब वो कस्टमर चला गया जिसने क्या खरीदा था, ही बॉट द टू डव्स, दो जो है डव्स खरीदी थी उसने,
उसके जाने के बाद आफ्टर हिज डिपार्टेड कस्टमर, जब उनका जो है कस्टमर क्या है चला गया, तो वहां पे क्या स्प्रेड होगी, एक बैड स्मेल, देयर हैड लिंगर्ड द मस्टी स्मेल ऑफ ए अबैंडन, जैसे कि खाली घर में जो है, और कई बार होता है ना बच्चों हम परफ्यूम लगा के जा रहे हैं, तो हम अगर वहां से चले जाते हैं तो क्या होता है, हमारी स्मेल जो है परफ्यूम की स्मेल उस रूम में आती है, या कोई आपके यहाँ जो है माउस है या डॉग है तो उसकी एक अलग सी स्मेल होती है। सिमिलरली जब वो कस्टमर जो है व्हेन ही डिपार्टेड फ्रॉम दैट प्लेस, तो एक अजीब सी बैड स्मेल सी जैसे हॉन्टेड प्लेस में आती है वैसी वहां पे फैल गई, लिंगर्ड। मिस्टर पर्सन वॉज ए स्मॉल फसी मैन, अब फसी मैन किसको बोलते हैं, एक होते ना कि जल्दी से किसी बात पे विश्वास नहीं करते और थोड़ा सा क्या होते हैं इरिटेट हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं किसी बात पे, उसको बोलते हैं फसी मैन। तो यहाँ पे किसका करेक्टर बता रहे हैं, करेक्टर ऑफ पर्सिल। तो पर्सिल कैसे थे, मिस्टर पर्सिल बोलते स्मॉल छोटे से थे और कैसे थे, फसी मैन, जो जल्दी से इरिटेट हो जाते थे किसी बात को, या कोई जल्दी से डिसीजन नहीं लेते थे, चेंज करते रहते थे, राइट, फसी मैन। और कैसे चीक्स कैसे थे उनके, रेड चीक्स एंड ए टाइट मेलन स्टमक, और एक बड़ा सा मेलन से जो है तरबूज से जो है उसकी क्या करी है कंपेयर करा है कि उनका पेट जो है कैसा था, टाइट मेलन स्टमक। तो ये इनका करेक्टर है, करेक्टरिस्टिक्स है कि स्मॉल फसी मैन, रेड चीक्स एंड ए टाइट मेलन स्टमक, लार्ज ग्लासेस, और जो आंखों में क्या है बहुत बड़े जो है मैग्नीफाइड। अब मैग्नीफाइड आपने जो है साइंस में देखा होगा कि मैग्नीफाइड ग्लास होता है, किस लिए देखते हैं कि छोटी चीज हमें कैसी दिखती है, बड़ी दिखती है विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइड ग्लास। तो जो उनके ग्लासेस थे आंखों में, जो स्पेक्टिकल्स थे, कैसे थे वो, मैग्नीफाइड इज हाई, और उनकी आंखों को और भी बड़ी बड़ी करी थी, एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ ए वाइज एंड जीनियल आउल, एक जो है बुद्धिमान और जीनियल आउल की तरह जो है उनकी आंखें दिख रही थी, राइट। ही ओन्ड अ पेट शॉप, तो ये करेक्टरिस्टिक्स थे किसके, पर्सेल के, कैसे थे वो, स्मॉल छोटे से, फसी, रेड चीक्स थे उनके, और एक मेलन स्टमक था, और ग्लासेस कैसे थे, लार्ज ग्लासेस थे, मैग्नीफाइड थे, बहुत ज्यादा जो है मैग्नीफाइड थे, और उनकी आंखें कैसे दिख रही थी, वाइज जीनियल आउल की तरह, राइट। ही ओन्ड ए पेट शॉप, और उनकी क्या थी, एक पेट शॉप थी। ही सोल्ड कैट्स एंड डॉग्स एंड मंकीज, अब यहाँ पे वो क्या क्या चीजें, कौन कौन से एनिमल्स बेचते थे, बिल्ली, डॉग्स एंड मंकीज, नॉट ओनली दीज एनिमल्स बट ऑल्सो केज्ड एनिमल्स, और उनका फूड, खाना उनका, कैट्स, डॉग्स, मंकीज। ही डेल्ट इन फिश फूड, और क्या क्या बेचते थे वो, और किन किन चीजों में जो है वो डील करते थे, फिश का फूड हो गया, मछलियों का खाना हो गया, कई बच्चे होंगे जिनके घर में जो है एक्वेरियम हो गया, तो फिश का खाना लाते हैं ना आप कहीं से, तो कहाँ से लाते हैं आप, पेट शॉप से। तो ऐसे वो जो है किस किस और क्या क्या बेचते थे, ही डाल्ट इन फिश फूड, बर्ड सीड, चिड़ियों का दाना हो गया, प्रिस्क्राइब्ड रेमेडीज फॉर एलिंग कैनरीज, अब कैनरीज जो है एक बर्ड होती है, राइट, तो उनके लिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई बीमार जो है चिड़िया आ जाती है या कैनरी आ जाती है, बर्ड के नाम है गोल्डन बर्ड, तो उनको जो है आलमेंट मीन्स जो जिनकी हेल्थ खराब रहती है, बीमार रहती है, तो उनको वो रेमेडीज भी बताते थे, इलाज भी बताते थे कि हाउ टू ट्रीट। तो किस किस चीज से डील करते थे, ही डेल्ट इन फिश फूड, बर्ड सीड्स, एंड इवन सम टाइम की कोई आता था, कोई एलिंग बर्ड आती थी या कैनरीज आती थी, तो उनको रेमेडीज भी बताते थे, प्रिस्क्राइब द रेमेडीज, एंड डिस्प्लेड ऑन हिज शेल्व्स लॉन्ग रोज ऑफ ऑर्नेट एंड गिल्डेड केजेस,
और उनके जो सेल्स थे उसमें क्या रहते थे, ऑर्नेट मीन्स बहुत सुंदर सजे हुए, केजेस मीन्स पिंजरे, अलग अलग कोई गोल्डन कोई सिल्वर और सब जो है गिल्डेड जो है सजे हुए रहते थे, ऑर्नेट एंड गिल्डेड केजेस सब जो है किसमें लगाए रहते थे, शेल्स में लॉन्ग रोज ऑफ डिफरेंट केजेस गोल्डन सिल्वर ब्रॉन्ज. ही कंसीडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ अ प्रोफेशनल मैन, और उन्हें लगता था जैसे हर कोई जो है अपने काम में क्या होता है प्रोफेशनल होता है, तो उन्हें लगता था ही कंसीडर्ड हिमसेल्फ पर्सन जो है अपने आप को कंसीडर करते थे समथिंग ऑफ ए प्रोफेशनल मैन, कि वो जो है बिल्कुल प्रोफेशनल है परफेक्ट है इन हिज वर्क. ए कॉन्स्टेंट स्टर ऑफ मूवमेंट परवेडेड हिज शॉप, विस्पर ट्विटर्स. अब हमेशा क्या है कॉन्स्टेंट स्टर, लगातार जो है उनके शॉप में जो है मूवमेंट प्रिवेडेड हिज शॉप, हमेशा जो है हलचल सी मची रहती थी. विस्पर ट्विटर्स स्लाई रसलिंग स्क्वील्स, रसलिंग में जैसे पत्तों की आवाज़ आती है उसी टाइप की जो है चिल्लाने की स्क्वील की आवाज़ आती है. चीप्स एंड सडन स्क्वीक्स, कभी चिल्लाने की. अब कोई भी पैट शॉप है अगर कभी आप गए हैं, अगर नहीं गए हैं तो आप एक बार जाएं तो देखेंगे आपको किस तरह से वहाँ पे जो है नॉइज आती रहती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है बर्ड्स अपनी आवाज़ करती है, ट्विटिंग करती है, स्क्वीक करती हैं, चिल्लाती हैं. स्मॉल फीट स्कैम्पर्ड इन फ्रांटिक सर्कल्स, और कई बार क्या लगता है ना कि कई बार जो है कोई जानवर जो है डर जाता है तो वो क्या करते हैं फ्रांटिक सर्कल्स, तो अपने पैरों पे क्या करते हैं राउंड 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 घूमने लगता है. फ्राइटेन बीविल्डर्ड ब्लाइंडली सीकिंग, मतलब ये नहीं देखता है कि अब जानवरों को जो है सिंपली वो ब्लाइंडली क्या करते हैं सर्कल में डर के मारे घूमने लगता है. इन फ्रेंटिक सर्कल्स अक्रॉस अ सेल्स पल्स दिस एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइट, फ्लिकर मीन्स जो फ्लिकर करता है जैसे लैम्प करता है फ्लिकर करता है जलता है बुझता है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि अक्रॉस द सेल्स पल्स दिस एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइट बट द कस्टमर्स हु केम इन सेड, परंतु जो कस्टमर है जो शॉप में आता है और आर नॉट दे क्यूट लुक एट द लिटिल केस दे आर स्वीट. अब अगर हम शॉप में जाते हैं पर आपने कभी सोचा है कि चिड़ियों को भगवान ने क्या बनाया, उड़ने के लिए फ्रीडम दी है, पर हम क्या करते हैं उनको केज में रख देते हैं, तो कभी आपने फील करा है कि वो क्या सोचते हैं कि हमारी फ्रीडम किसने छीन लिया, इंसान ने छीन लिया, हम उनको केस कर देते हैं, खुले आसमान में घूमना चाहते हैं बट वी केस देम. जैसे हमें जो है आज़ादी कितने सालों बाद मिली थी, ब्रिटिश के आगे हम क्या थे स्लेव थे, तो सिमिलरली हम उनको क्या करते हैं केस कर देते हैं. तो कभी आपने अगर आप लोगों के यहाँ अगर कोई बर्ड है या पैरट को रखा है तो कभी आपने फील करा है कि उसकी क्या भावना है, क्या वो चाहता है. तो सिमिलरली यहाँ पे कह रहे हैं कि जब कोई भी कस्टमर केम इन हिज शॉप तो वो क्या कहते हैं देखो कितना क्यूट है कितना सुंदर की पिंजरा है. लुक एट दैट लिटिल केज दे आर स्वीट एंड मिस्टर पर्सन हिमसेल्फ वुड अ स्माइल एंड ब्रिस्कली रब हिज हैंड्स एंड एम्फेटिकली मीन्स फोर्सफुली शेक हिज हेड. जब लोग जो हैं कस्टमर आते हैं उनकी शॉप में और बोलते हैं कि भाई देखो ये कितना है, तो पर्सन जो है वो भी स्माइल करते हैं खुश होते हैं और फोर्सफुली जो है अपना सिर हिलाते हैं. ईच मॉर्निंग व्हेन द रूटीन ऑफ ओपनिंग, अब जैसे एज यूजुअल जो हमारी शॉप होती है तो हम क्या एक फिक्स टाइम होता है 9 या 10 के बीच में हम अपनी दुकान जो है खोलेंगे, तो ऐसे पर्सन ने क्या करा ईच मॉर्निंग व्हेन द रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप वॉज कम्प्लीटेड, जैसे खोलते हैं पिंजरों को बाहर रखा या बर्ड्स को दाना दिया जो भी है वॉट एवर देयर रूटीन, तो उसके बाद आफ्टर दैट व्हेन द रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप वॉज कम्प्लीटेड इट वॉज द प्रोप्राइटर्स कस्टम टू पर्च ऑन ए हाई स्टूल. अब यहाँ पे प्रोप्राइटर कौन है, ऑनर ऑफ द शॉप, जिसकी शॉप है उसके लिए बोला है प्रोप्राइटर्स कस्टम. अब उसका क्या कस्टम है कि रोज क्या काम करता है टू पर्च, पर्च मैंने सिट
ऑन ए हाई स्टूल, एक उसने अपने दुकान में क्या रखा है, एक हाई स्टूल रखा है, पर्च माने सिट, तो वो उसमें क्या करता है, बैठता है. आफ्टर हैविंग फिनिश्ड द ओपनिंग रूटीन, जो उसका रूटीन होता है, रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप, ही सेट ऑन ए हाई स्टूल बिहाइंड द काउंटर. अभी काउंटर होता है, आप लोगों ने देखा होगा कभी शॉप में गए हैं तो काउंटर होता है, काउंटर के पीछे उसने क्या रखा था, एक हाई स्टूल. अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर, और जो न्यूज़पेपर आता है उसको क्या करता है, वो अनफोल्ड करता है टुडे. तो यहाँ पे क्या बताया कि जो पर्सल है वो क्या करते हैं, वेन द रूटीन ईच मॉर्निंग, मतलब ये उनका रोज का रूटीन है, कि वेन द रूटीन ऑफ ओपनिंग ऑफ हिज शॉप वॉज कम्प्लीटेड और फिनिश्ड, तो प्रोपराइटर क्या करते हैं, द प्रोपराइटर्स कस्टम क्या था, टू पर्च टू सिट ऑन ए हाई स्टूल बिहाइंड द काउंटर, और जो काउंटर है उसके पीछे बैठ जाते थे, एंड देन ही अनफोल्ड द मॉर्निंग पेपर एंड डाइजेस्ट द डेली न्यूज, और क्या रीड करते थे, वो जो डेली न्यूज होती थी उसको पढ़ते थे, क्योंकि एकदम मॉर्निंग में जैसे ही अपने दुकान खोली, ऐसा तो नहीं है कि तुरंत जो है कोई कस्टमर आ गया, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, अपना रूटीन वर्क करते हैं, दुकान को ओपन करते हैं, देन ही सेट ऑन अ हाई स्टूल विच वॉज बिहाइंड हिज काउंटर, देन ही अनफोल्ड द पेपर एंड रीड द डेली न्यूज, डाइजेस्ट मीन्स अपना पढ़ते हैं उसको, राइट. एज ही रीड ही वुड स्मर्क फ्रोन, कभी उनको खांसी आती है, कभी फ्रोन गुस्सा आता है, रिफ्लेक्टिवली पर्स हिज लिप्स, उसी के अकॉर्डिंग उनके लिप्स भी चलते हैं. कई बार होता है ना, कोई काम नहीं होता तो हम पेपर पढ़ते हैं और अपने आप ही जो है लिपसिंग करने लगते हैं, कभी हंसते हैं कभी गुस्सा आता है, राइट. लिप्स नोइंगली लिफ्ट हिज आईब्रोज, और कभी कभी जो है अपने आईब्रोज को भी लिफ्ट करते हैं गुस्से में, जो है कभी ऊपर कभी नीचे, एक्सप्रेशन यू कैन से. नॉट इन ग्रेव एग्रीमेंट ही रीड एवरीथिंग, ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें पढ़ते हैं, वो पूरा पेपर जो है, कईयों की हैबिट होती है ना पेपर को, न्यूज पेपर को पढ़ना शुरू से आखिर तक, तो ही रीड, तो ही किसके लिए यूज हुआ है बच्चों, पर्सन, रीड एवरीथिंग, इवन एडवाइस टू द लव लॉन एंड द डिटेल्ड कॉलम्स ऑफ एडवर्टीजमेंट. तो सारी ये नहीं कि एक खाली वो वाली न्यूज पढ़ते हैं जो कॉमन रहती है, बट वो एडवर्टीजमेंट्स भी पढ़ते हैं, और सारी जो है न्यूज जितनी भी लिखी रहती है पेपर में, सारे कॉलम्स को वो पढ़ते हैं, नॉट पर्टिकुलर कि भाई यही पढ़ना है मेरे को अपने, या अपने देश के लिए पढ़ना है, या अपने कोई रीजन के लिए पर्टिकुलर पढ़ना है, बट वो डिटेल में जो है पूरा पेपर कंप्लीट करते हैं. इट वॉज अ रफ डे, ए स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू against the high plate glass windows. अब उस दिन क्या था कि बहुत वैसा रफ डे था, ड्राई डे था, और क्या चल रही थी, हवा चल रही, और होता है ना बच्चों अगर ग्लास की कोई विंडो होती है तो उसमें क्या हो जाती है, डस्ट लग जाती. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडो, एक स्ट्रॉन्ग विंड जो है किससे स्ट्राइक करी, प्लेट ग्लास विंडोज. स्मोक फिल्म द विंटरी सीन एंड द एयर वॉज ग्रे विद अ थिक फ्रॉस्ट. अगर सर्दियों के दिन हो तो आपको क्या लगता है बच्चों, हवा में क्या रहता है, मॉइस्चर, थोड़ा सा उसमें क्या रहता है, मिस्ट रहता है या फ्रॉस्ट कह सकते हैं, तो थिक फ्रॉस्ट, तो वो स्मोक क्या है, किसमें लग गई, ग्लास विंडो में. स्मोक फिल्म द विंटरी सिटी, पूरे जो है पूरी सिटी में जो है हल्की से जो है क्या था, फ्रॉस्ट था, ग्रे विद अ थिक फ्रॉस्ट. हैविंग कंप्लीटेड हिज यूजुअल टास्क मिस्टर पर्सल अगेन माउंटेड द हाई स्टूल एंड अनफोल्डेड हिज मॉर्निंग पेपर. अब अपना जो डेली जो है काम करा उन्होंने, और उसके बाद वो फिर से कहाँ बैठ गए, माउंटेड द हाई स्टूल which was behind the counter and unfolded the morning newspaper, right? तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, मिस्टर पर्सल की बात कर रहे हैं.
ही डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट, बट एक दिन जो है किस तरह से एक आदमी आता है एंड ही बॉट द टू डव्स. और स्ट्रेंज से क्या होते हैं कि जब वेन ही वॉज डिपार्टेड, जब वहाँ से चला गया, तो वहाँ पे क्या फैल गई, एक लिंगर्ड स्प्रेड द बेड स्मेल. ऐसा लग रहा था जैसे क्या कौन सी प्लेस की होगी, हॉन्टेड प्लेस, खाली जो जगह होती हैं जहाँ भूत आते हैं, तो वैसी गंदी सी एक स्मेल जो है वहाँ पे फैल गई. अब मिस्टर पर्सल का करेक्टर बता रहे हैं यहाँ कि कैसे थे. ही वॉज अ स्मॉल फनी, रेड चीक्स थे, मालन स्टमक था, लार्ज ग्लास मैग्निफाइड थे उनके. और उनकी शॉप में क्या क्या बेचते थे, वो ही सोल्ड कैट्स, डॉग्स, मंकीज, इवन ही ऑल्सो डेल्ट इन फिश फूड्स, बर्ड सीड्स, इवन ही ऑल्सो प्रिस्क्राइब द रेमेडीज फॉर एलिंग कैनरीज, राइट. और कई जो है पिंजरे भी डिस्प्ले करे थे उन्होंने, जो कि किसके बने थे, गिल्डेड एंड ऑर्नेट, कोई सिल्वर था, कोई गोल्डन था, ब्रॉन्ज था, अलग डिफरेंट कलर्स के ब्यूटिफुल केजेस. अब उन डेली क्या करते थे वो, ईच मॉर्निंग व्हेन द रूटीन ऑफ ओपनिंग ऑफ हिज शॉप कंप्लीटेड, और जब ये कंप्लीट हो जाता था तो क्या करते थे वो, एक हाई स्टूल था, ही सेट ऑन अ हाई स्टूल विच वॉज बिहाइंड द काउंटर, और वहां पे ही अनफोल्डेड द न्यूज़पेपर और पूरी रीडिंग करते थे. ये नहीं कि एक कॉलम पढ़ा पूरा रीड करते थे. तो ये इनका डेली रूटीन था ईच मॉर्निंग आफ्टर कंप्लीटिंग हिज रूटीन वर्क. और उनकी शॉप से कैसी आवाज़ें आती थी, हमेशा किसी की चीचिंग की, स्क्वील्स की, डिफरेंट टाइप्स की, और समटाइम जो है चिड़िया या कोई रैट या कुछ जो है एनिमल्स क्या करते थे, डर के मारे राउंड एंड राउंड जो है फ्रेंटिक सर्कल्स. तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा. लेट्स सी इन द नेक्स्ट पैरा. ही एडजस्टेड हिज ग्लासेस एंड ग्लैंस एट द डेज हेडलाइंस. फिर से जैसे ही वो जो है न्यूज़पेपर को अनफोल्डेड करते हैं और अपने ग्लासेस को एडजस्ट करते हैं, जो कि कैसे थे, बहुत मैग्निफाइंग थे, हाई पावर के जो होते हैं जिससे हमें बड़ी बड़ी चीजें दिखती हैं, तो ऐसे उनके भी जो ग्लासेस थे वो क्या थे, मैग्निफाइड. ही एडजस्टेड हिज ग्लासेस एंड ग्लैंस एट द डेज हेडलाइन. फिर से वो जो है पेपर खोलते हैं, अनफोल्डेड द पेपर एंड ग्लैंस मीन्स वहाँ पे देखते हैं एट द डेज हेडलाइंस. सबसे पहले क्या देखते हैं वो जो हेडलाइंस है मेन में, चर्पिंग एंड स्पीकिंग एंड म्यूइंग वाइब्रेटेड ऑल अराउंड हिम. Yet Mr. Purcell heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock. तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, कि as he opened the newspaper, he adjusted his glasses and glanced at the day's headline. अब as usual जैसे उनकी दुकान में किसकी आवाज आती है, chirping की, speaking की, mewing की, पूरा जो है दुकान किससे वाइब्रेट करता है, नॉइसेस से, जो उनके पार्ट से जो उन्होंने बेचने के लिए रखे थे. बट मिस्टर पर्सेल को वो आवाजें कैसी लगती हैं, बिल्कुल वो अनअवेयर हैं या अब जो है फैमिलियर हो गए हैं या हैबिचुअल हो गए हैं. जैसे हमारे घर में होते हैं ना बच्चों, क्लॉक होती है, क्लॉक क्या करती है, टक 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 आवाज करती है. बट क्या आप जो है आपको लगता है खराब, क्योंकि आप क्या हैबिचुअल हो गए, फैमिलियर हो गए उस साउंड को सुनने की, राइट. क्योंकि वो तो अपना चलती रहती है, टक 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 की आवाज आती रहती है. पहले दिन आपको अनयूजुअल लगेगा, बट नेक्स्ट डे क्या लगेगा, आप हैबिचुअल हो जाएंगे. सिमिलरली जो नॉइज आती है उनकी शॉप में, किसकी ट्विटरिंग की आती है, चिड़िया की आवाज आती है या कोई एनिमल जो है आवाज कर रहा है, तो वो इस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि वो फैमिलियर हो गए. यहाँ कंपेयर किससे करें, जैसे हम जो हैं क्लॉक से जो हैं फैमिलियर हो जाते हैं, सिमिलरली वो उनको लगती है कि भाई हैबिचुअल हो गए कि इतनी आवाज के बीच में अपना जो है वो कंटिन्यू क्या कर रहे थे, न्यूज़पेपर कर रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे. देयर वाज अ बेल ओवर द डोर दैट जिंगल्ड व्हेनेवर कस्टमर एंटर्ड. अब उन्होंने एक बेल लगा रखी थी अपने शॉप में, जब भी वो बेल बजती थी तो क्या पता चलता था कि कोई कस्टमर जो है दुकान में आया है. जैसे हम लोग करते हैं ना बच्चों, हमारे घर में बेल लगी रहती है, तो कोई मेहमान आता है, गेस्ट आता है, तो क्या होता है, बेल बजती है, हम लोग एकदम बाहर जाते हैं. तो सेम जो है उनकी शॉप में भी, देयर वॉज अ बेल ओवर द डोर दैट जिंगल्ड व्हेनेवर कस्टमर एंटर्ड. दिस मॉर्निंग हाउएवर
फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर पर्सल कुड रिकॉल इट फेल्ड टू रिंग सिंपली ही ग्लैंस्ड अप एंड देयर वॉज अ स्ट्रेंजर स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर. अब पहली बार ऐसा हुआ था दिस मॉर्निंग. हाउएवर फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर पर्सल कुड रिकॉल इट फेल्ड टू रिंग. मतलब दोबारा जो है उसको उनको कॉल करा क्योंकि इट फेल्ड टू रिंग कि बेल नहीं बजी. सिंपली ही ग्लैंस्ड अप जैसे उन्होंने ऊपर देखा एंड देयर वॉज अ स्ट्रेंजर एक कोई जो है कस्टमर थे कैसे थे स्ट्रेंजर स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर और वो जो है बिना जो है बेल नहीं बजी और सिंपली वो जो है अंदर आ गए और ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि द बेल फेल टू रिंग. स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर एज इफ ही हैड मटेरियलाइज्ड आउट ऑफ थिन एयर जैसे कि वो जो है ऐसे ही जो है अंदर एंटर कर गए. द स्टोर कीपर स्लिप्ड ऑफ हिज शूज फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू इंस्टिंक्टिवली अनरीजनेबली दैट द मैन हेटेड हिम बट आउट ऑफ हैबिट ही रब्ड हिज हैंड्स ब्रिस्कली टुगेदर स्माइल्ड एंड नॉडेड गुड मॉर्निंग ही बीम्ड व्हाट कैन आई डू फॉर यू. जो आए थे वहां पे कस्टमर जैसे उन्होंने बताया कि उनकी जो है बेल नहीं बजी थी और उनको जो है किस तरह से वो जो है द स्टोर कीपर स्लिट ऑफ हिज स्टूल फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू इंस्टिंक्टिवली अनरीजनेबली दैट द मैन हेटेड हिम. अच्छा नहीं लग रहा था बट आउट ऑफ हैबिट उन्होंने क्या करा ही रब्ड हिज हैंड पर्सल ने जैसे एज यूजुअल करते हैं रब्ड हिज हैंड ब्रिस्कली टुगेदर स्माइल्ड एंड नॉडेड गुड मॉर्निंग जैसे वो और कस्टमर को जो है बोलते हैं उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग ही बीम्ड व्हाट कैन आई डू फॉर यू मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ. दिस इज द फर्स्ट पार्ट कैसे एक स्ट्रेंज जो है कस्टमर उनके शॉप में आते हैं तो पहले जैसे हमने पढ़ा था कि उनका अपना जो रूटीन होता है डेली रूटीन होता हाउ ही फिनिश्ड इट हाउ ही कंप्लीटेड देन ही रीड द न्यूज़पेपर और कहाँ बैठे थे ही सैट ऑन ए हाई स्टूल व्हिच वाज बिहाइंड द काउंटर. काउंटर के पीछे एक बड़ा सा स्टूल रखते थे और डेली रूटीन का काम करके ही सेट ऑन इट और अपने जो मैग्नीफाइड ग्लास को एडजस्ट करके ही क्या करते थे वो न्यूज़पेपर. तो आप जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि द कस्टमर वांट्स समथिंग दैट इज दैट हैज विंग्स तो जो कस्टमर एंटर करा था शॉप में वो क्या चाहते थे. तो अभी हम जो है नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं कि दैट कस्टमर वांट्स समथिंग दैट हैज विंग्स ऐसी चीज चाहिए जिसके क्या है पंख. ही स्पेंड्स हिज 10 इयर्स अर्निंग ऑन ए पेयर ऑफ बर्ड्स उन्होंने कितना टाइम स्पेंड करा है हिज 10 इयर्स earning on a pair of birds. What he does after buying the bird is the strangest act Mr. Purcell has ever seen. अब होता क्या जो stranger आया था उसने क्या बोला he wants something that has wings कि ऐसी चीज चाहिए जिसके क्या होने चाहिए पंख. अब इस strange thing क्या थी Purcell के लिए क्या क्या उसने उसको खरीदने के बाद वो जो है कभी उनकी लाइफ में मिस्टर पर्सल हैज एवर सीन इससे पहले कभी देखिए. तो ये वाले पॉइंट्स जो हैं हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. आई वॉन्ट समथिंग इन केज द मैन्स शाइनी शूज स्क्वीक्ड फॉरवर्ड जो वो आदमी आया था जो अभी हमने पढ़ा था कि ही एंटर्ड द शॉप शूज कैसे करते स्पीक करते आवाज करते फॉर वर्थ हिज जो उसका सूट था वो कैसा था चीप ऐसा नहीं था बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था जूते आवाज कर रहे थे हिज सूट वाज चीप सस्ता था इल फिटिंग बट ऑब्वियसली न्यू सूट क्या था न्यू था बट नॉट फिटेड वेल ही हैड अ शेडिंग ग्लैंस एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर इग्नोरिंग पर्सेल फॉर द मोमेंट. अब जैसे पहले भी पढ़ा था हमने ही हेटेड हिम तो उसने क्या करा इग्नोर कर रहा था पर्सेल फॉर द मोमेंट ही रोल्ड
his gaze around the shadowy shop in nasty morning, volunteered the shopkeeper. He clasped both hands across his melon like stomach. जैसे हमने पहले वाले उसमें पढ़ा था कि देखा था कि किस तरह से उसने अपने दोनों हाथों को अपने जो melon stomach, पहले हमने करेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कैसे थे वो, he was a small fussy red cheeks थे और एक क्या था उनका melon stomach, तो वो अपने दोनों हाथों को अपने melon stomach में रखते हैं. कौन? पर्सिल की बात कर रहे हैं. melon like stomach and smiled importantly. और वो जो है स्माइल करते हैं. आई सी बाय द पेपर वी आर इन फॉर ए कोल्ड स्पेल नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड. द मैन स्टीयर्ड. अब उन्होंने जो है कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने फिर से पूछा, ही अगेन आस्क कि तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट वाज इट यू वांटेड. तुम शॉप में आए कुछ बोल नहीं रहे हो तो उन्होंने अगेन ही आस्क कि तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट वाज इट यू वांटेड. द मैन स्टीयर्ड क्लोजली एट पर्सन, मिस्टर पर्सन. और वो जो स्टीयर्ड माने कंटीन्यूअसली लो, वो आदमी और क्लोज आया किसके, मिस्टर पर्सन. तो मिस्टर पर्सन कौन है बच्चों? पेट शॉपकीपर. उसकी अपनी पेट्स की दुकान है और उसमें जो है एक स्ट्रेंज मैन आता है. तो अभी देखते हैं क्या होता है बच्चों. लेट्स सी व्हाट हैपेंड. As though just now aware his presence, he said, और ऐसा लग रहा था कि अब उसे जो है थोड़ा सा अवेयर हुआ अपने प्रेजेंस को करते हुए, क्योंकि इससे पहले ना तो उसने कुछ बोला काम रहा. He said, I want something in a cage. और what he said, उसने क्या बोला पर्सिल को कि I want something in a cage. तो यहाँ पे वो जो आपका जो टाइटल है, तो क्यों है टाइटल आई वांट समथिंग इन अ केज, तो यहाँ जस्टिफाई हो रहा आपका कि किसने बोला था ये, वो जो मैन आया था स्ट्रेंज मैन, उसने किससे बोला पर्सिल से. ही सेड टू पर्सिल आई वांट समथिंग इन अ केज, कि मुझे ऐसी कोई चीज चाहिए जो किस में होनी चाहिए, केज में होनी चाहिए. क्लियर? समथिंग इन अ केज. मिस्टर पर्सिल वॉज ए बिट कंफ्यूज. अब जो वो शॉपकीपर थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई ऐसी जो है अपने डिमांड कर रहा है कि आई वांट समथिंग इन अ केज, तो ही रिपीटेड द सेम फ्रेज कि आई वांट समथिंग इन अ केज. तो वो थोड़ा सा क्या हो गए थे, ही वाज कंफ्यूज्ड. पर्सिल जो है थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो गए. यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पैट, उसने कहा क्या तुम किसकी बात कर रहे हो, पैट की बात कर रहे हो. आई मीन व्हाट आई सेड, स्नैप द मैन. समथिंग इन अ केज, समथिंग दैट इज स्मॉल. कि मैं, मेरे कहने का मतलब वही है कि मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज जो किस में होनी चाहिए, आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, जो पिंजरे में होनी चाहिए, एंड दैट इज स्मॉल. तो उसने अपनी पूरी जो है डिटेल बताई कि भाई मुझे ऐसा जो है एनिमल चाहिए या ऐसा पैट चाहिए जो किस में होना चाहिए, केज में होना चाहिए. और जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो पॉइंट्स थे कि उसके क्या होने चाहिए, विंग्स होने चाहिए, पंख होने चाहिए. उसने कहा मैं वही बोल रहा हूं कि आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज. आई सी हैज़न द स्टोर कीपर नॉट एट ऑल सर्टेन दैट ही डिड. हिज आईज नैरोड ग्रेवली एंड ही पर्स्ड हिज लिप्स. होता है ना कि फोल्ड करना, आप भी सोच रहे थे वो कौन जो ऑनर था, शॉपकीपर थे, स्टोर कीपर. तो नॉट एट ऑल सर्टेनली certain that he did. His eyes narrowed gravely and he pursed his lips. Now let me think. उसने कहा भाई तुम जो बोल रहे हो प्लीज मुझे सोचने का मौका दो, लेट मी थिंक कि जो तुम्हारी डिमांड है कि आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, कि मुझे जो है ऐसी चीज चाहिए जो किस में होनी चाहिए, केज में होनी चाहिए, पिंजरे में होनी चाहिए. तो उसने कहा लेट मी थिंक, मुझे थोड़ा सा टाइम दो. ए वाइट रैट परहैप्स, उसने कहा संभवतः क्या है, व्हाइट रैट, एक सफेद चूहा. आई हैव सम वेरी नाइस व्हाइट रैट्स, उसने कहा मेरे पास जो हैं बहुत अच्छे जो हैं सुंदर व्हाइट रैट हैं, सफेद चूहे हैं. उसने कहा नो, मुझे ये नहीं चाहिए. नो सेड द मैन.
नो नॉट रैट्स, उसने कहा चूहे नहीं चाहिए मुझे, मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट समथिंग इन केज, और उसकी क्या होनी चाहिए, विंग्स होने चाहिए, समथिंग विद विंग्स, जिसके पंख होने चाहिए, समथिंग दैट फ्लाइज, जो उड़ सकते हैं। ए बर्ड एक्सक्लेम्ड मिस्टर पर्सिल, तो फिर पर्सिल ने बोला क्या बोला, बर्ड, इट मीन्स आप किसकी बात करें, यू आर टॉकिंग अबाउट बर्ड, इसने बोला मिस्टर पर्सिल। तो यहाँ पे ओवरऑल हमने क्या देखा बच्चों, कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मिस्टर पर्सिल हैं, जो डिडंट लाइक और डिडंट बिलीव इन घोस्ट, भूतों पे जो है कभी विश्वास नहीं करते, और उनकी दुकान में एक कौन आता है, एक बायर आता है, कस्टमर आता है, एंड ही बॉट, क्या खरीदा उसने, टू डव्स, अ पेयर ऑफ डव्स, और जब वो ही डिपार्टेड फ्रॉम द शॉप, तो वहां पे कैसी स्मेल आती है, एक स्मेल ये लिंगर्ड स्प्रेड हो जाती है, एक बैड स्मेल, ऐसा लगता है जैसे हॉन्टेड कोई अबेंडेंट मीन्स एम्प्टी प्लेस हो, जहाँ पे हॉन्टेड मीन्स कहीं वहाँ पे भूत वूत आते हैं, तो वैसे स्मेल से आते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि मान लो कोई जानवर आता है तो उसकी स्मेल आती है, तो सिमिलरली वहां से भी क्या आ रही थी, बैड स्मेल। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था देन, कि करेक्टर्स कैसे थे, फसी मैन थे, स्मॉल थे, और उनकी क्या थी, एक स्टमक जो है मेलन स्टमक था, एक बड़ा सा जो है पेट था उनका, मेलन से कंपेयर किया है, और फसी का जैसे अभी हमने डिस्कस करा था, फसी मींस होता है कि किसी भी बात में इरिटेट होना, चिढ़ जाना, तो उस टाइप के जो है वो ही वो। और उनकी शॉप किसकी थी, पैट की थी, डॉग्स थे, कैट्स थे, मंकीज थे, और केस्ड बर्ड्स, इवन ही ऑल्सो डेल्ट विद, और क्या बेचते थे, फिश फूड हो गया आपका, बर्ड्स ग्रेन हो गए, या समटाइम जो रेमेडीज, कोई कैंडीज आती है, कोई बर्ड आती है, तो उसकी रेमेडीज भी बताते हैं वो, कि उसको हाउ टू ट्रीट दैट बर्ड और एनिमल। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, मिस्टर पर्सिल, एक दिन जब वो अपना रूटीन वर्क जो है कंप्लीट करके किस तरह से, ही सैट ऑन ए हाई स्टूल विच वॉज बिहाइंड द काउंटर, काउंटर के बाहर होते हैं, और किस तरह से वो उस पर बैठ के क्या पढ़ते हैं बच्चों, न्यूज़पेपर, ही अनफोल्डेड द न्यूज़पेपर एंड रीड द, ये नहीं कि मेन हेडलाइंस पढ़ी, पूरे पेपर जो है वो पढ़ते थे। एक दिन जब वो व्हाइल ही वाज रीडिंग द पेपर, बेल जो है बजती है बट इट फेल टू रिंग, राइट, तो किस तरह से स्ट्रेंज पर्सन जो है एंटर करता है शॉप में, और वो क्या बोलता है, क्या किसकी डिमांड करता है, आई वॉन्ट समथिंग इन केज, कि मेरे को वो चीज चाहिए जो कि केज में, और जैसे वो बताते हैं कि भाई मुझे सोचने दो, और फिर बोलते हैं वो वाइट रैट, तो वो कहते हैं नॉट, नो आई वॉन्ट समथिंग इन केज, जिसकी क्या होनी चाहिए, विंग्स, समथिंग दैट फ्लाइज, जो उड़ सकता है। तो एकदम से मिस्टर पर्सिल क्या बोलते हैं, बर्ड, इट मीन्स आप किसकी बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट बर्ड, चिड़िया की बात कर रहे हैं। और इससे पहले जैसे हमें क्लियर हो गया था कि जो मिस्टर पर्सिल थे, काम करते रहते हैं अपनी दुकान में विदाउट जो है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो गए थे या फैमिलियर हो गए थे किसकी, नॉइज ऑफ द बर्ड्स, नॉइज ऑफ द साउंड ऑफ द एनिमल्स, क्योंकि आप अगर पेट शॉप में जाओगे तो आपको किसकी आवाज़ सुनाई देगी, स्क्वीकिंग की, ट्वीटरिंग की, डिफरेंट टाइप की जो है वॉइस जो है मर्ज हो रही है और आपको जो है हल्ला सुनाई दे रहा है, बट जो वहाँ पे रहते हैं जो है 10 hours या 12 hours या 24 hours, तो वो क्या होते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं। जैसे हमारे घर में अगर कोई, जैसे क्लॉक से हमने कंपेयर करा था कि क्लॉक की क्या बजती है, टक टक की आवाज़ बजती है, तो हम जो है अनअवेयर रहते हैं कि भाई बज रही है तो कोई बात नहीं, एज यूजुअल हम अपना काम करते रहते हैं। तो सिमिलरली मिस्टर पर्सिल क्या करते हैं, अपना काम जो है जैसे रूटीन वर्क करते रहते हैं, अनअवेयर रहते हैं साउंड का, क्लियर। तो बच्चों आई होप जितना पढ़ाया आप लोगों की समझ में आ गया है, आ गया होगा। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, revise the chapter at home. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.